इंसान दुख में साथ देने वाला होना चाहिए, वरना खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। और ये कलयुग नहीं, मतलबी युग है, मतलबी। हमारे घरों में पाया जाने वाला समुद्री नमक अलग किस्म से तैयार होता है और ये सेंधा नमक एकदम अलग किस्म से। इसे कोई बनाता नहीं है, सेंधा नमक को कोई बनाता नहीं है। ये नमक पूरी तरह से प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, जो कुदरत की एक अनमोल भेंट है हमारे लिए। सेंधा नमक एक खनिज संपत्ति है जो पहाड़ों की खदानों में पाई जाती है। ये हमारे हिमालय, सिंह, लाहौर में पाया जाता है और ये सबसे अधिक मात्रा में लाहौर, पाकिस्तान में पाया जाता है, इसलिए इसे लाहौरी नमक भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि इसे हम क्यों खाते हैं और इसका सेवन सफेद नमक से ज्यादा क्यों नहीं करते लोग। ऐसा क्या हुआ इतिहास में जो घरों में 5-5 साल भरा रहता था, अब इसे आपको खाने के लिए लेना पड़ रहा है और ये बड़ा आश्चर्य की बात है। अब हम सेंधा नमक के फायदे जान लेते हैं, इसके गुण हैं जिसकी वजह से इसे हमारे घरों से दूर किया गया है। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है दोस्तों। समुद्रों में जो नमक होता है वो होता है आयोडीन नमक और इसका केमिकल नाम है सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड जो होता है आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितना भी जहर है, उसे संग्रहित कर पकड़ कर रखता है, उसे शरीर से बाहर जाने नहीं देता। जबकि दूसरा जो सेंधा नमक है जिसका हम उपयोग नहीं करते, जिसे आप खाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं, उस नमक का केमिकल नाम है पोटेशियम क्लोराइड। और इस पोटेशियम क्लोराइड का काम है टॉक्सिन्स, शरीर से जो जहर है उसको बाहर निकालने का, शरीर को साफ और सुथरा रखने का। इस सेंधा नमक में 94 पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसे आप खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको 1,00,000 रुपए देने होंगे। 94 पोषक तत्व आपके लिए वरदान है। ये पोषक तत्व आपको 130 बीमारियों से दूर रख सकते हैं। इनमें से 22 तत्व ऐसे हैं जो आपके शरीर के न्यूट्रिशन लेवल को ठीक रखने में मदद करते हैं। इसमें पाए जाने वाले मेन पोषक तत्व जो हैं, उनका नाम है आयोडीन, लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, क्रोमियम, मैंगनीज, लोहा, जस्ता और अन्य मिनरल्स। ये इतना शुद्ध नमक होता है कि आप इससे उपवास कर सकते हैं, जिसे दैनिक उपयोग में लेना चाहिए। इसके फायदे इस प्रकार हैं। इसके सेवन करने से आंखों की रोशनी बढ़ने लगती है, गर्भ धारण करने वाली महिलाओं को ताकत देता है, मर्दाना ताकत को बढ़ाता है। अगर आपको कमजोरी लग रही हो, चक्कर आदि आ रहे हो, तो एक ग्लास पानी में एक चम्मच सेंधा नमक डालकर पीने से 5 मिनट में चक्कर आदि आने बंद हो जाएंगे। अगर आपको भूख न लगती हो, जिस दिन भारी चीजों का सेवन करना है, तब खाने से 10-15 मिनट पहले सेंधा नमक और आधा इंच अदरक को चबा चबा कर खा लें। आप देखेंगे 10 मिनट के अंदर खोल कर भूख लगने लगेगी। और पेट में अगर मरोड़ है, गैस आदि की तकलीफ है, तो अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे सेंधा नमक का, तो थोड़े समय में ये ठीक हो जाएगा। इससे आपकी पाचन शक्ति बढ़ेगी अगर आप थोड़े दिन लगातार इसका इस्तेमाल करेंगे तो। अगर आपको लो बीपी की शिकायत है तो आपको इसका नियमित सेवन करना चाहिए, इससे बड़ा फायदा होगा। रोज सुबह 1 गिलास पानी में 1 छोटा चम्मच सेंधा नमक डालकर जरूर पिए। 20 दिन में लो बीपी की शिकायत दूर होगी। आप अगर आपको हाई बीपी की शिकायत है तो आप नहाते समय 100 ग्राम नमक पानी में, सेंधा नमक की बात कर रहे हैं हम, पानी में मिलाकर नहाएंगे तो आपका हाई बीपी की शिकायत 1 से 1.5 महीने में ठीक हो जाएगी। आपको एक और आश्चर्यजनक बात बता दें, सेंधे नमक को शरीर पर मलने से शरीर साफ हो जाता है, चेहरा दमकने लगता है। सेंधा नमक यूज करने से वसा यानी कि फैट घटता है, शरीर सुंदर सुडौल होता है। बीपी वालों के लिए एक वरदान है सेंधा नमक। सेंधा नमक डेली रूटीन में इस्तेमाल करने से एज अ रिप्लेसमेंट सफेद नमक के, तो ये बीपी कंट्रोल करने लगता है। और ये जो सादा वाला नमक है ये एक जहर है। इसमें शरीर के काम के मात्र 3 से 4 ही मिनरल मौजूद होते हैं, जो लोगों को ना भी मिले तो किचन की दूसरी वस्तुओं से मिल सकते हैं। इस समुद्री नमक में जो एक्स्ट्रा आयोडीन मिला होता है वो बस सारी बीमारियों का कारण होता है। शायद ही आपको पता हो कि नमक का काम जो होता है वो नमी को खींच लेना होता है। आपको पता होगा कि पहले जो नमक आता था उसको खुला छोड़ दें तो गीला गीला हो जाता था, मगर आज का नमक एक्स्ट्रा फ्री फ्लोइंग है, जो कभी गीला नहीं होता, क्योंकि इसमें जो नमी को आने वाले मिनरल थे वो हटा दिए गए हैं और नमी को स्वीकारने वाले केमिकल मिलाए हैं, जो बहुत ही खतरनाक है, जिसका नाम है एल्यूमिनियम सिलिकेट और पोटेशियम आयोडेट। ये दोनों ही केमिकल शरीर के बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि ये बहुत ही हैवी होते हैं, जिससे किडनी लिवर फिल्टर नहीं कर पाते। इसलिए बीपी अटैक, पैरालिसिस, आंखों का ऑपरेशन, किडनी फेल हो जाना, जॉइंट पेन होना, ऐसी बहुत सारी गंभीर बीमारियां हम लोगों को आजकल घेर रही है, क्योंकि हम लोग सेंधे नमक का इस्तेमाल करना छोड़कर सादा नमक यानी कि जो समुद्री नमक है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आज से 80 साल पहले सेंधा नमक भारत के हर घर में मटके भर रहता था। भारत में जब अंग्रेजों का शासन था तब ये हमारे पर रिसर्च कर रही थी, भारतीय लोग इतने मजबूत और स्वस्थ कैसे रहते हैं। उनकी रिसर्च में पाया गया कि ये लोग सेंधा नमक खाते हैं, समुद्री नमक नहीं। और अंग्रेजों को पता लग गया कि वो समुद्री नमक खाने के आदी हो चुके हैं, इसकी जानकारी उन्हें हो गई। तो उन्होंने यानी कि अंग्रेजों ने सिर्फ इस सेंधे नमक को हमसे दूर करने के लिए बहुत बड़ी चालाकी की, जिसमें हम फंस गए कि इस सदी से पहले हम भारतीय सेंधा नमक ही खाते थे, समुद्री नमक के बारे में हमें पता भी नहीं था। मगर अंग्रेजों ने हमारे कान भरने शुरू किए कि समुद्री नमक खाने के लिए हमें उकसाने लगे, क्योंकि उसमें आयोडीन होता है, इससे घेंघा रोग रुकता है, ये कहने लगे। ये भी सुनने में आया कि गांधी जी के हाथों नमक का सत्याग्रह करा के समुद्री नमक का टैक्स हटा दिया गया, जिसका भारतीयों को कोई भी काम नहीं था। और वहां से 17 साल बाद
1947 में भारत से पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, जिसमें सेंधा नमक भारत से दूर हो गया क्योंकि ये सेंधा नमक लाहौर में मिलता जो कि पाकिस्तान में है। देश का बंटवारा होने से हमारे रिश्ते खराब हुए और भारत पाकिस्तान की यातायात रुक गई, जिसके चलते भारत में सेंधा नमक आना बंद हो गया। फिर क्या था, हमारे पास समुद्री नमक था, उसे हमने धीरे धीरे इस्तेमाल करना शुरू किया, धीरे धीरे सब भूलते गए। हम कभी सेंधा नमक खाते थे ये याद ही नहीं रहा किसी को। बस यही कारण है दोस्तों कि सेंधा नमक हम आज भी नहीं खा रहे हैं। तो हमने आपको सारी जानकारी दे दी है कि सेंधा नमक कितना ज्यादा पावरफुल, कितना ज्यादा इस्तेमाल करने लायक है, और आज से ही आप इस्तेमाल करना शुरू करें। खासकर बीपी की पेशेंट ऐसा करना शुरू करें, उन्हें स्वास्थ्य लाभ जरूर होगा। सादा नमक जहर है ये बात समझ लें, और इसे वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।